व्यापारी होवे, अमृत का व्यापारी होवे, अमृत का व्यापारी होवे, अमृत का व्यापारी होवे, अमृत का बजुर्ग बाबा जी जिहड़े कार सेवा वाले बाबियां दे कोल कार सेवा करदे सन, उन्होंने एक गल चलाई बड़ी सुनने वाली गल जे, बड़ी बहुत ही अकाल पुरख नाल एक निक होण वाली गल जे, सुन के जाना जाना ना। दो मिनटां जी मैं गल मुका देनी ते शब्द संबोधन करके अगले जो कीर्तनी हन उह सेवा संभालांगे। उह बजुर्ग ने गल सुनाई कि साडे
घर कोई बच्चा नहीं सी ते साढ़े माता पिता ने कार सेवा वाले बाबियां कोलों अरदास करवाई कि साढ़े घर बच्चा होवे ते उन्होंने ये इस तरह की अरदास करवाई कि नाले उत्थे एक ऐद किया अपने मन में ही एक संकल्प किया कि हे सतगुर सच्चे पातशाह जे साढ़े घर दो लड़के होंगे तो पहला लड़का जिहड़ा होएगा असी आप जी की सेवा विच कार सेवा विच चढ़ा देंगे। कहिंदे समय दे नाल तीन असी भरा पैदा होए तो जिसले मैं कहिंदा सब तो वड्डा सी जिसले 12-13 साल का कार सेवा करन जोगा जिसले मैं हो गया तो मेरे माँ बाप लैके मैनू उत्थे कार सेवा वाले बाबियां को चले गए कहिंदे भी बाबा जी तुसी अरदास कीती सी साढ़े घर ये वड्डा लड़का है होर भी दो लड़के पैदा हुए हैं तो ये असी साढ़े मन में संकल्प सी सतगुर सच्चे पातशाह जे तुसी औलाद बख्शोगे तो पहला जिहड़ा लड़का होएगा असी सेवा चढ़ा देंगे असी लैके आए तुसी इहनू रख लो। अच्छा उन्होंने बाबिया ने उन्होंने रख लिया वह बाबा जी सवेर वेले वो जिन्हें कार सेवक सन उन्होंने 2.5 घंटा सवेरे सिमरन करना नितनेम करना शाम को सोधर का पाठ करना तो 2.5 घंटा वो चक्कर बना लेंगे है तो घूमी जाते भी वारस ना मन में आए तो वाहगुरु का सिमरन कराते सन। अच्छा इस बाबा जी यदा लड़का उत्थे साढ़े ड्राफ्टमैन लगे हुए सन भाई मोहन सिंह जी उन्हां कोल इन्हां ने आया करना नहीं तो उत्थे कार सेवा विच ही दरबार साहब के लागे किसी कोई गुरद्वारा साहब की तमीर हो रही सी उत्थे सेवा करते होंदे सन कदे कदे उन्होंने शाहपुरकंडी आना तो दास नूं भी उन्होंने गलबात करनी ते इह गल सारी वह दास नूं सुना रहे गल की है वह चढ़ाई करके 8 घंटिया बाद जींदे हुए तो उन्होंने दस्या मैं उत्थे की देख के आया वो आप जी नूं दसना दसदा फुरना है भी दसना चाहिए कहिंदे मैं अपने गली चो जा रहा सी ते जिद्दां पिंडां च पहलां हुण ते घट ही होएगा नलके लोगों बहर धर्म अर्थ लवाए होंगे सन कि आया गया पानी पीवे तो कहिंदा वो नलके की जिहड़ी बन्नी बनी हुई सी खुरा बनाया सी वो मैं उत्थे तिलक गया ते मेरा मत्था जिहड़ा वो उत्थे वज्जा वटते ते वो मैं चढ़ाई कर गया तो वह कहिंदे भी मैनू गुरमुख प्यारे आए सन लैण वास्ते तो लै गए तो कहिंदा उत्थे जिस तरह इत्थे कलर्क होंदे आ उत्थे भी कहिंदा कलर्क होंदे आ उन्हां जगह वंडियां भी इस ब्लॉक का यह कलर्क उत्थे लाइनां लगियां उन्हां दे हिसाब किताब हो रहे तो कहिंदा मैनू जिसे जिथे जिहड़े कलर्क कोल पेश कीता मेरे अगे एक जाना सी तो उन्हों उन्होंने कहिंदा भी 8 घंटे ला के तो हिसाब किताब समझाया तो उत्थे जिदा इत्थे बदोबदी बका लैंदे ना पुलिस वाले इदां नहीं है वो कहिंदे वो कहिंदा मैं नहीं कीता उत्थे कहिंदा स्क्रीनां लगियां उहदे उत्ते उह सारा वह कुकर्म करता वह देख जाता तो उन्होंने जिसले उन्हें सारा प्लस माइनस वो कट के यस करा के वो फाइल लैके तो वह कहते धर्मराज को चले जाते हैं तो अगे फिर वो सजा जी नियुक्त करते कहते मेरी जिसले वारी आई वो चल उन्होंने लै गए मेरी जिसले वारी आई मेरी फाइल खोली तो प्लस ही प्लस सन सवेरे भी 2.5 घंटा सिमरन करना बाबिया के नाल शाम को भी 2.5 घंटा सिमरन करना नेत्रन सवेरे करना शाम को करना सौन लग्या करना वो कहें भी वो कहें भी उन्हें लिख दते भी ए माइनस है तो प्लस ही माइनस होएगा एक अद्धा कि धर्मराज को लै गए तो मैं पूछया मैं बाबा धर्मराज को देखिया वो आप मैं गल सुना रहा मैं गुरु की हजूरी च ना थोड़ा जहा भुलेखा लग गया उन्हें किसी गुरमुख प्यारे गल सुनाई वो भी SPO सन तो दास वो सुना रहे तो मैं बाबे को कन्फर्म की है गल इस तरह है तो वह कहते भी मेरी जी लै गई धर्मराज को फाइल लैके चले गए नाल ही मैं तो मैं पूछ लिया मैं बाबा धर्मराज दस भी सरदार ही घुमा ही मैं बेवकूफा वाली गल कर सकता हाँ तो वह कहता भी इन्ना इन्ना धड़ थल्यों दिखता तो जोड़ा शेर है ना वह दिखता नहीं आम बंद वर्ग उन्हें कपड़े पाए हुए धर्मराज साहब ने तो कहता भी वो सिर के पिछों इन्ने सूरजा का प्रकाश होंगे कि जिदा सूरज वाल नहीं ना वेख सकते धर्मराज की असं शकल सूरत नहीं देख सकते तो कहता उन्हें दस्तखत कर देते इनू सचखंड च लै लो तो कहता वो मैं कहते भी अखा मिटियां तो अख फरंक च सचखंड लै गए उ गुरु ग्रंथ साहब का प्रकाश कहते गुरु ग्रंथ साहब का प्रकाश से जिस वेले मैं लैके गए उस वे अरदास हो रही थी तो आप उस सचखंड इस वे विराजमान हाँ हाँ जी
ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਥੇ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਮਰਿਆਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਧੁਰ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸਰਵਣ ਕਰਾਇਆ ਦੇਗ ਵਰਤਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਸਲੇ ਦੇਗ ਵਰਤਾਉਣ ਡਏ ਸਨ ਜਿਸਲੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲਾਗੇ ਆਇਆ ਵਰਤਾਵਾ ਤੇ ਮੈਂ ਹੱਥ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕਾਲਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਖਿੱਚਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਭਵਾਂ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸਨ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਗ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਦੇਣੀ ਇੱਧਰ ਆਓ ਉਹ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਲੈ ਗਏ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਲੈ ਆਏ ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ 'ਚ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਐਡਾ ਐਡਾ ਤਗੜਾ ਸਿਸਟਮ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਅੱਠ ਘੰਟੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਿਣਦੇ ਸਨ ਵੀ ਉਹਦਾ ਮੁੜਾ ਭਾਈ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਬਾਅਦ 'ਚ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਇਹ ਬਾਪੂ ਸਾਡਾ 8 ਘੰਟੇ ਮਰਿਆ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਜਿੰਦਾ ਹੋ ਗਿਆ 8 ਘੰਟੇ ਉੱਦਾਂ ਗਿਣਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ 3 ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸੀਆਂ ਵੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਤਨੇਮ ਸਵੇਰੇ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮੀ ਅਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅਤੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਮੁੜ ਕੇ ਆਵੇਗਾ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਤੇਰੀ 9 ਸਾਲ ਉਮਰ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਅਤੇ ਇਹ ਦੱਸਣੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਆਉਣਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕਹਿਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤਰ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਆ ਸਮਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਦੱਸੀ ਵੀ ਝਬਾਲ ਦੇ ਲਾਗੇ ਮਾਤਾ ਭਾਗ ਕੌਰ ਦਾ ਕੋਈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਤੂੰ ਰਹਿੰਦੀ ਉਮਰ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਆ ਅਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟੀਆਂ ਅਤੇ ਇੱਧਰੋਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਤੋਰੀਆਂ ਸਨ 8 ਘੰਟੇ ਜਿੱਥੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਅਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਅਤੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਕੀ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਅਸੀਂ ਫਟਾਫਟ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਜੱਗ ਮਿੱਠਾ ਅਤੇ ਅਗਲਾ ਕਿੰਨੇ ਡਿੱਠਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡਿੱਠਾ ਦਾਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਸਮਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿੰਨੇ ਪਵਿੱਤਰ ਬਚਨ ਕਰਕੇ ਗਏ ਵੀ ਸਮਾਂ ਬੜਾ ਮਾੜਾ ਆਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾੜੇ ਅਜੇ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਅਜੇ ਚੰਗਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣ ਜਾਈਏ ਇਸ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਭ ਤੇ ਉੱਚਾ ਸਭ ਵੱਡਾ ਸਭ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਕੱਲ ਰਾਖੀ ਮੇਰੀ 2-3 ਤੁਕਾਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ ਥੋੜਾ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਪੂਰਾ ਸਾਚ ਪਿਆਲਾ ਸਹਿਜੇ ਜਿਸ ਪਿਆਏ ਆਪਣਾ ਦਿਲ ਕਰੇ ਜਿਸ ਪਿਆਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਾ ਵਪਾਰੀ ਹੋਵੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਾ ਵਪਾਰੀ ਹੋਵੇ ਭੁੱਖਿਆ ਮਤ ਛੂਛੇ ਭਉ ਤਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਾ ਵਪਾਰੀ ਹੋਵੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਮੁਕਤੀ ਵਤ ਹੀ ਪਰਵਾਨ ਪਿਆ ਦਰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਹੋਵੇ ਮੁਕਤ ਬੈਕੁੰਠ ਕੇ ਕਰੇ ਸਤ ਬੈਰਾਗੀ ਸੁਣ ਪਰਤਰ ਜੋਗੀ ਖੀਵਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਥਾ